21 फरवरी 2022 को उनकी प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फरपुर का ज्वाइनिंग है। क्या आप लगता था पहले कि हमारी पत्नी पढ़ लिख के शिक्षक बनेगी और हमारे साथ इस तरह से व्यवसाय करेगी? नहीं, इस तरह तो नहीं लगती थी, मगर नौकरी हो जाने के बाद इस तरह की मेरे साथ व्यवसाय। यूपी की पीएससी अधिकारी ज्योति मौर्या की पति से बेवफाई की खबरों के बीच बिहार के हाजीपुर में भी एक ऐसी ही पीड़ित पति की कहानी सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। चंदन ने आरोप लगाया है कि उसने मजदूरी कर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और टीचर ट्रेनिंग करवाई, जैसे तैसे उसे स्कूल में बतौर टीचर की नौकरी तक दिलवाई और वो स्कूल प्रिंसिपल के साथ ही फरार हो गई। दरअसल पूरा मामला जंदाहा थाना क्षेत्र के महीपुरा गाँव का है। करीब 13 साल पहले महीपुरा के चंदन कुमार रजक की शादी समस्तीपुर की रहने वाली सरिता के साथ हुई थी। एफआईआर में चंदन ने बताया कि बड़ी मुश्किलों के साथ उसने खेतीबाड़ी और मजदूरी कर पत्नी को पढ़ाया, टीचर ट्रेनिंग कराई, जिसके बाद 2 साल पहले वो समस्तीपुर जोरपुरा नोनफर में प्रीमियम स्कूल में शिक्षक के तौर पर बहाल भी हो गई, लेकिन नौकरी लगने के कुछ दिनों बाद ही सरिता अपने स्कूल के प्रिंसिपल के साथ फरार हो गई। चंदन ने बताया कि पत्नी की बेवफाई की शिकायत विभागीय अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा अधिकारियों से भी की है। तो जो है 2022 में 23 फरवरी 2022 को उनकी प्राथमिक विद्यालय मुजफ्फरपुर का ज्वाइनिंग है। क्या आप लगता था पहले कि हमारी पत्नी पढ़ लिख के शिक्षक बनेगी और हमारे साथ इस तरह से व्यवसाय करेगी? नहीं, इस तरह तो नहीं लगती थी, मगर नौकरी हो जाने के बाद इस तरह की मेरे साथ व्यवसाय। अब क्या करेंगे आप? अब जो है सो मैं तो उनको जो है सो अपने स्तर से बहुत ठोकर खा के खोजे, मैंने अपने स्तर से ठोकर लग के मैं डी ओ साहब के पास, मैंने जो मुखिया जी के पास ठोकर खा के जो है दो बच्चे हैं, और उसके बाद जो है से मैं आप भी तो पाल सकते हैं अपने बच्चे को। मैं पाल रहा हूँ, वो अभी 8 महीना से नहीं तो मैं खुद पाल रहा हूँ, और अगर आना चाहती है तो उनके लिए दरवाजा। हालांकि पत्नी की बेवफाई और इस पूरे मामले के बाद भी चंदन अपनी पत्नी को वापस पाने की उम्मीद नहीं खो रहा है। होना चाहिए नहीं, ये तो गलत है। इस तरह की जो है जो भी लड़की इस तरह की जैसे कदम नहीं उठाती, अगर नहीं रहना था तो प्रेम से चली जाती, मैं आपके साथ नहीं रहूँगा, इस तरह की धोखा नहीं देनी चाहिए, चाहे शादी नहीं करना चाहिए, मैं आपसे शादी ही नहीं। तो पति को क्या शादीशुदा को पढ़ाता है? अटेंडेंस किस आधार से बनता है, इसका उच्च स्तरीय जाँच हो। इन केस अगर आपकी मैडम वापस आपके पास आ जाती है, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? उस कंडीशन में दोनों बच्चा के देखते हुए रखना ही पड़ेगा, हालांकि दो नाबालिग बच्चे हैं, और जैसे क्या करें, मजबूरी बस तो मुझे रखना ही पड़ेगा और रखना ही है। मैंने प्यार अभी भी है उसके साथ, तो क्या किया जाए? जैसे वो तो अभी तलाक नहीं ली है, वो बेवफाई निकल गया, हम बेवफाई तो नहीं है। प्यार है उसके प्रति? है तो ना भी आप लोग के है? क्या हुआ? 23 फरवरी 2022 को जो है वो ज्वाइन किया, 4 महीना मेरे साथ जो है गाड़ी से अप डाउन की, उसके बाद वो जो है से कौवा में ही कहीं रूम ले ली, वहाँ रूम में जो है हम रूम नहीं ले रहे थे, फिर भी जो है घर में नौटंकी चालू की, फिर भी जो है हर कोई पति चाहता है पत्नी मेरी खुश रहे, मैं वहाँ रूम में शिफ्ट कर दी, उसके बाद मेरे बच्चे को 2-3 महीना रखी, उसके बाद बच्चे को भी रखने से नकार दी। उसके बाद मैं पिछले गर्मी छुट्टी में मेरे जो है बच्ची हॉस्टल से आई थी, वो भी 30 दिन की छुट्टी में, मात्र वो 8 दिन मम्मी के साथ रही, उसके बाद वो मेरे ही साथ गाँव में ही रही, हम भी रूम पर जाते थे वो मुझे रहने नहीं देती थी। उसके बाद में पता चला कि उसको हेडमास्टर के साथ प्रेम प्रसंग है, वो जो है अफेयर में वो फंसी हुई है। उसके बाद दुर्गा पूजा से वो यहाँ से न पता है, न रूम पर है, न मेरे यहाँ है, न अपने मम्मी के पास, न अपने नहिरा में तो उनका कोई है ही नहीं, उसके बाद कहीं नहीं, मैं अपने सबसे बहुत खोजा। उसके बाद मैंने जो है से डी ओ साहब के पास जो है ठोकर खाया, 4 बजे बच्चे के लेकर गया, डी ओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि आएगी, मगर उनका अटेंडेंस जो है बनता था और मैडम नहीं आती थी। उसके बाद मैंने डी ओ साहब जो है समस्तीपुर गया, डी ओ साहब ने मुझे आश्वासन दिया और फ़ोन किए डी ओ साहब के, डी ओ साहब दोनों बच्चा को देखते हुए आपको इस पर जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कम से कम मैडम को बुलवाइए। उसके बाद जब डी ओ साहब फ़ोन किए तो मैडम द्वारा जाली मेडिकल लगा दिया गया, और जो कि गलत है, और मैंने जो है मुख्यमंत्री जी को, मैंने मुख्य सचिव जी को, मैंने जो है के पाठक जी को, मैंने डी ओ को, मैंने क्या कहते हैं डी एम को, मैंने 6 जगह पटना और 3 जगह समस्तीपुर, 9 जगह जो है मैंने कार्रवाई के लिए जो है मैंने पेपर लिखा। उसके बाद जो है मैंने मुखिया जी को गुहार लगाया, तो मुखिया जी ने अपने जो है पंचायत में ही कुछ ग्रामीण से जो है मिलकर, पता चला कि मैडम नहीं आती है तो जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ती है उनके अभिभावक से मिलकर अपना जो है कार्रवाई किए, जो कि जो है साइन मोहर करा के रखे हुए हैं। उसके बाद जैसे स्पष्टीकरण जो है पंचायत सचिव के द्वारा मांगा गया, वो अभी तक नहीं दिया गया है। कुल मिलाकर जो है से उसके बाद मुझे राहुल राम द्वारा जब मैं कार्रवाई किया तो घर पे आके 1 तारीख को जान से गोली मार के मार देने की धमकी मिला गया, जो कि 1 तारीख के रात में मुझे जो है राहुल राम ने 3 लगभग 7:45 बजे 3 आदमी से आए, जो कि एक बाइक पर थे, और 2 गाड़ी 2 नीचे उतरे और बोला जो भी आवेदन जहाँ दिया है वो कृपया उठा लो, नहीं तो ऑल फैमिली को जान से मार दूंगा। कौन बोला ये बात? प्रिंसिपल राहुल कुमार ने बोला।
प्रिंसिपल अपने आया था? हाँ, प्रिंसिपल अपने आया था। फेलो के साथ? तीन आदमी के साथ आया था, जो कि एक बाइक पर चढ़ा हुआ था, दो उतरा, जो कि एक राहुल कुमार और एक मुझे नहीं पहचाने कौन है, और डार में पिस्टल निकाला और मैं और वहाँ पर मेरे बच्चा था। बोला कि जो भी आवेदन दिया है वो आवेदन उठा लो, नहीं तो मार के मैं तुम्हें गोली मार के सुला दूंगा। मैं दरवाजा पर आया था। उसके बाद मैंने जैसे थाना प्रभारी को जैसे आवेदन दिया, थाना प्रभारी ने मुझे मेरा आवेदन 2 तारीख को रिसीव नहीं किया। उसके बाद मैं थाना प्रभारी थाना पे 8-10 दिन लगभग 6-7 दिन गया, थाना प्रभारी ने मुझे ठोकर मारा। उसके बाद कल सोशल मीडिया के माध्यम से 8-10 पत्रकार जैसे थाना पर गए। उसके बाद कल के डेट में यानी कि 8 तारीख के डेट में केस लिया गया, 1 तारीख का मामला 8 तारीख के डेट में केस लिया। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।